एक कहानी सुनाता हूँ आप सभी लोगों को। बीते हुए दिन की बात है, सुबह सुबह मैं कहीं पर गया। वहाँ पर मुझे कुछ अपने लोग मिल गए। वे अपने लोग जो हैं ऐसे संयोग में मिलते हैं जहाँ पर एक कन्वर्सेशन शुरू होता है, एक ऐसा कन्वर्सेशन जो केवल नकारात्मक ख्यालों, नकारात्मक विचारों, नकारात्मक साइड से फुल भरा हुआ था। अब जब कन्वर्सेशन चालू हो गया तो उस बीच तीरथ सिंह रावत कोशिश कर रहा था उस कन्वर्सेशन में पॉजिटिविटी डालने की, पॉजिटिव बातों को रखते हुए। नेगेटिव को सामने वाले ने नेगेटिव बात रखी, मैंने वहाँ पर अपने तरफ से पॉजिटिविटी को रखते हुए बात को अलग ही दिशा में घुमा दिया। बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा था वहाँ पर। हमारे आसपास जो भी लोग थे सब मैं नोटिस कर रहे थे, जैसी बातें चल रही, बहुत तगड़ी तगड़े लेवल की बातें चल रही थी, बहुत टॉप लेवल की बातें चल रही थी। एक तरफ लोगों की अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं उनके मन में चल रही होंगी उस समय, तो सब लोग बड़े गौर से हमें सुन रहे थे। अब बात यह है, लोगों ने उनकी छोड़ो, वो क्या सोच रहे हैं और कैसा सोच रहे हैं वो चीज़ छोड़िए, लेकिन वहाँ पर मैं तो बड़ा ख़राब है। मैं वहाँ पर पॉजिटिविटी की तराजू में भार डालते ही जा रहा था। अब सोचिए जरा, खुद को एक बारी ध्यान मग्न कीजिए और सोचिए कि जो चीज़ें मैंने आपके बीच में रखी हैं कितना अच्छा हो सकता है अगर सुबह की शुरुआत पॉजिटिविटी से हो, बजाय उस नकारात्मक साइड और नकारात्मक विचार से भरे हुए इंसान को ना मानते हुए, ना स्वीकारते हुए हम केवल सकारात्मक पहलुओं, सकारात्मक विचारों से खुद को प्रफुल्लित करें। आप बताइए, आप यह सोच को लेकर कहाँ तक आपके समझ में बातें आई और कैसे आपको अपने आसपास के माहौल में अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करनी चाहिए ताकि आपके साथ साथ जो है आसपास का समाज भी सकारात्मक रहे।